ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, जयपुर एसओजी की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश से शातिर साइबर ठग बसंत कुमार गिरफ्तार किया गया। जयपुर एसओजी की बड़ी कार्रवाई है, मध्य प्रदेश से शातिर साइबर ठग बसंत कुमार को गिरफ्तार किया गया। शातिर ठग पहले बनाता है फर्जी ईमेल आईडी, फिर लोगों के बैंक खाते की डिटेल बदलता है, उसके बाद खुद के फर्जी एड्रेस के बैंक खाते खुलवाकर ठगी करता है। जयपुर के एक परिवादी ने एसओजी में शिकायत दी थी। खाते से 13 लाख की साइबर ठगी की शिकायत दी गई थी और शिकायत दर्ज होने के बाद एसओजी टीम पहुंच गई शातिर तक और एसओजी के अधिकारी आरोपी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। अब बड़ी कामयाबी ये मिल गई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद एसओजी की टीम उस तक पहुंची, शातिर ठग को पकड़ लिया गया। अलग अलग हिस्सों में कई साइबर ठगी के मामलों में वो संलिप्त रहा है। शातिर ठग पहले फर्जी ईमेल आईडी बनाता है और फिर लोगों के बैंक खाते की डिटेल वो बदलता है, उसके बाद खुद के फर्जी एड्रेस के बैंक खाते खुलवाकर ठगी करता है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है, लंबे वक्त से शिकायतें मिल रही थी, अब उसको धर दबोच लिया गया। देखिएगा कि रिपेक्ट सबसे बड़ी कार्रवाई है और क्योंकि राहत की बात यह भी है कि जो शातिर ठग था उसको मध्य प्रदेश से एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो शातिर ठग है बसंत कुमार, वो पहले फर्जी ईमेल आईडी से लोगों के बैंक खाते के डिटेल बदलता है, फिर उसके बाद उसके जो पैसे होते हैं वो अपने खातों के अंदर ट्रांसफर करवा लेता है। इसी बात को लेकर एक जोटवाड़ा के अंदर जो मिल मालिक है उनकी तरफ से एक मामला दर्ज करवाया गया था साइबर क्राइम एसओजी के अंदर। उसी के मामले को लेकर पुलिस ने पूरी जांच शुरू की, जो उस शिकायत के ऊपर पुलिस ने पाया कि इसी तरह का एक गोरख धंधा चलाया जा रहा है। जो शातिर साइबर ठग है वो पहले लोगों की ईमेल आईडी बदलते हैं, फिर उसके बाद उसके खातों की डिटेल बदलवा के जो उसमें पैसा आना होता है वो अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसी बात को लेकर एसओजी की टीम ने मध्य प्रदेश के जो साइबर ठग है, जो शातिर ठग माना जाता है बसंत कुमार, उसको गिरफ्तार किया है। जी दीपा, चलिए बहुत शुक्रिया। अब उससे लगातार पूछताछ भी हो रही है, डिटेल्स भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका तमाम जानकारियों के लिए।